स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर एक वो चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास है, उसी को हम मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन, ये व्हाइट बोर्ड, ये डेस्क, ये बुक, एनीथिंग। अब बात आती है दूसरी बात कि हम मैटर किसको नहीं बोलेंगे। ऑब्वियसली वो चीज़ जो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और ना ही उसमें मास हो। जैसे कि हम शेडो को बोल सकते हैं कि ये मैटर नहीं है। लाइट को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना ही इसमें मास। अब मॉडर्न साइंस में मैटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला बेसिस है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर का क्लासिफिकेशन वैसे तो 5 पार्ट में किया गया है, लेकिन अभी हमें 3 पार्ट ही पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन हमें अभी 3 ही पढ़ना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट कंपाउंड थर्ड है मिक्सचर। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमें फिलहाल इस पे फोकस करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, और हम फर्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज को जानें, इससे पहले हमें जानना है कि मैटर अपने आप में सिंगल है या मैटर भी बहुत सारे मिनी पार्टिकल्स को मिला करके बना हुआ है। तो आगे हम इस पर बात करते हैं। चाहे कोई भी मैटर जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो अपने आप में सिंगल नहीं है, वो बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स को मिला करके बना हुआ होता है। इसके एविडेंस में हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जैसे कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरी बात यह भी है कि मैटर के अंदर जितने भी टिनी पार्टिकल्स हैं वो कंस्टेंटली मूविंग है, वो लगातार मोशन में होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं। इसको अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। जो सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला तो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कहने का ये मतलब है कि कोई भी जो मैटर है वो बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स को मिला करके बने होते हैं, जो कंस्टेंटली उस मैटर के अंदर मूवमेंट में होते हैं। अब सबसे पहला इसका जो एविडेंस है उसके तौर पर हम देखते हैं डिजॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। अब बात आती है, चाहे हम अगर किसी बीकर में एक गिलास पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर एक स्पून हम शुगर को डालते हैं, चीनी को डालते हैं, और उस चीनी को हम बिना हिलाए, अगर ना भी हिलाएं, तो थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स हम देखेंगे कि वो चीनी अपने आप पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। तो पानी चीनी को डिजॉल्व करने के लिए जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, दोनों मोशन में होते हैं, और पानी का जो पार्टिकल्स है वो चीनी के ऊपर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के चलते चीनी और छोटे छोटे
फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वो पानी के अंदर एकदम मिक्स हो जाते हैं। या दूसरा एग्जांपल हम लेबोरेटरी में लेते हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है और ये पर्पल कलर का होता है, इसका कलर पर्पल होता है। अगर हम एक बीकर में इस KMnO4 के टुकड़े को रखते हैं और रखने के बाद हम उसमें पानी भरते हैं, जब पानी भरते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पर्पल कलर पूरे के पूरे बीकर में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये जो पर्पल कलर पूरे के पूरे बीकर में स्प्रेड आउट होता है, इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स की जरूरत उसमें नहीं होती है और ना ही हमें किसी चीज़ से उसको मिलाने की जरूरत होती है, बल्कि ये अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स जो है वो मोशन में होते हैं, उस मोशन के चलते ही वो बार बार KMnO4 के टुकड़े पर स्ट्राइक करता है, जिससे वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट करके पूरे के पूरे पानी को पर्पल कलर में बदल देता है। नेक्स्ट एविडेंस के तौर पर हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। आप लोग बहुत बार घर में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में अगर हम लोग सब लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो इंसेंस स्टिक से जो धुआं निकलता है उसका कलर और जो नेचुरल एयर है उसके कलर में कुछ न कुछ बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर हम उस इंसेंस स्टिक को एक जार में बंद करें और जार को नीचे तरफ करके रखें और फिर मान लीजिए ऐसे ये जार है और इसमें हम मान लीजिए धुआं रखा हुआ है, अगर हम इंसेंस स्टिक थोड़ी देर के लिए इसमें जला दें और जला करके ये पूरा फिलअप हो गया, इसको किसी चीज़ से भर दिए और इसके ऊपर से एक जार को ऐसे हम रख दिए, जब हम इस बीच का जो पार्टीशन है उसको हटाते हैं तो ये जो धुआं है ये अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस धुआं मतलब ये गैस में है, स्मोक में है, गैस है, गैस में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो लगातार मूवमेंट में और उस मूवमेंट के चलते ही ये जो लोअर जार है लोअर जार से अपर जार की तरफ बढ़ता है। या दूसरा एग्जाम्पल हम लेबोरेटरी में लेते हैं, ये तो हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं इसलिए बता दिए। दूसरी बात है कि हम अगर ब्रोमीन गैस लेते हैं जो रेड ब्राउन होता है, तो अगर लेबोरेटरी में हम ब्रोमीन गैस को एक जार में रखते हैं और उस जार के ऊपर एक दूसरा इम्प्टी जार इस तरह से लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि नीचे से जो ब्रोमीन मतलब इसमें ब्रोमीन है तो ऑब्वियसली इसका कलर रेड ब्राउन होगा और जो नेचुरल एयर है वो कलरलेस होगा, वो इनिशियली कलरलेस होगा, लेकिन आफ्टर फ्यू मोमेंट कुछ हद के बाद हम देखते हैं कि ये रेड ब्राउन ऊपर की तरफ इसमें भर गया, मतलब पूरा का पूरा कलर जो है वो दोनों जार का कलर रेड ब्राउन हो गया। कहने का मतलब है कि जो इसमें ब्रोमीन गैस का जो कलर था या ब्रोमीन गैस जो था वो उसका जो पार्टिकल्स था वो लगातार मोशन में था और उसी मोशन के चलते ही वो ऊपर की तरफ जो खाली जार था उसके तरफ मूव किया और निश्चित ही जो कलरलेस गैस था वो भी नीचे की तरफ मूव किया होगा, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो कलरलेस है। तो ये भी सेकेंड एविडेंस है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं और उनके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। हमारा थर्ड एविडेंस जो है वो है मूवमेंट ऑफ पोलर ग्रैंड इन वाटर। पोलर ग्रैंड आप लोग सब लोग पोलर ग्रैंड से परिचित हैं, पोलर ग्रैंड के हैं तो पराग के दाने, तो इस पर मूवमेंट ऑफ पोलर ग्रैंड इन वाटर, तो इस पर स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने
मान लीजिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ इस तरह था, एक ग्लास था, ग्लास में पानी भरा हुआ था और इसने पोलन ग्रहण रखा। उन्होंने क्या रखा? पोलन ग्रहण। मान लीजिए सपोज कीजिए ये पोलन ग्रहण। तो जब उन्होंने पोलन ग्रहण रखा तो पोलन ग्रहण का मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ। ये सारे जो डार्क पॉइंट है, जितने भी ये डार्क पॉइंट है, ये मान लीजिए इस तरह से पोलन ग्रहण का मूवमेंट हुआ, पराग के रहने का मूवमेंट हुआ। कहने का मतलब उन्होंने ये, इसका ही मतलब ये ब्रीफ डायग्राम है। मान लीजिए जो इसमें कहीं कई जगह पोलन ग्रहण रखा वो इस तरह से ऐसे 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 जिगजाग पाथ में पोलन ग्रहण का मूवमेंट हुआ। कहने का मतलब पोलन ग्रहण अपने आप में बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल, और उसको जब ग्लास में पानी के अंदर डाला गया या पानी पे डाला गया तो उसका जो मूवमेंट था वो स्ट्रेट में नहीं था, वो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं था, वो जिगजैग पाथ में ट्रेवल कर रहा था। तो ये जो है सबसे बेस्ट एविडेंस है किसका, कि जो कोई भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है वो टेनी पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो जो टेनी पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट में होते हैं। तो जब पोलन ग्रहण को डाला गया इस पानी में वो जिगजैग पाथ में ट्रेवल करना शुरू किया, मतलब कोई स्ट्रेट वे को नहीं फॉलो किया गया और इसी मोशन को ब्रोनियन मोशन कहा गया और इसको डेफिनेशन देकर के लिखा गया था जेमन द जिगजैग मोमेंट ऑफ द ब्रोनियन मोशन, और इसी मोशन को ब्रोनियन मोशन कहा गया और इसको इसका डेफिनेशन है द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। कहने का मतलब ये है कि जो हम पोलन ग्रेन लिए, पोलन ग्रेन को जैसे ही वाटर के अंदर डाले, वाटर में डाले, तो वाटर का जो स्मॉल टिनी पार्टिकल्स था, वाटर का जो टिनी पार्टिकल्स था वो इस तरह से, मतलब अलग अलग तरह अलग अलग पार्टिकल्स इस तरह से स्ट्राइक कर रहा था कि मतलब पोलन ग्रेन लगातार मूव कर रहा था, लगातार मूव कर रहा था, जिससे एक जिगजैग पाथ तैयार होगा। इसी जिगजैग मूवमेंट को ब्रोनियन मोशन कहा गया, इसी जिगजैग मूवमेंट को ब्रोनियन मोशन कहा गया। अब है द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रोनियन मोशन गिव अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मतलब ब्रोनियन मोशन से भी हमें मैटर के बारे में दो कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहला है द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मतलब ब्रोनियन मोशन से भी पता चला कि मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और सेकंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब दूसरी बात जो इससे कंक्लूजन मिला ब्रोनियन मोशन से वो है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार मोशन में है। जैसे कि हमने पहला कलर या पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर को मिलाने से देखा, सेकंड दो तरह के गैस को, मतलब एक जो नेचुरल गैस है इसको और दूसरा ब्रोमीन गैस को मिलाने से देखा, या फिर जो इंसेंस स्टिक का धुआं होता है और जो हमारा नेचुरल एयर है इस दोनों के मिलने से देखा, या थर्ड जो है ये पोलन ग्रेन के मूवमेंट से देखा। मतलब इस तीनों से हमें यही पता चला कि जो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो मैटर टेनी पार्टिकल्स से बने होते हैं और
जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो हमारे सराउंडिंग में मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि वैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी इस चीज को देखा है कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके बने हुए हैं। अगर हम आगे भी और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे हम एक ग्लास है, इस ग्लास में या तो कलर में कलर भी ले सकते हैं या शुगर, दोनों ही चीज से हम इसको जज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम इसमें पानी फिल करके इसमें 50 ग्राम साल्ट को या 50 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कराते हैं और डिजॉल्व कराएंगे तो ऑब्वियसली, और फिर दूसरा ग्लास लेते हैं और इसमें से मात्र एक स्पून जो साल्ट या शुगर मिला हुआ सॉल्यूशन है उसको इसमें डालते हैं और दोनों को टेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा नमकीन या ज्यादा मीठा होगा कंपैरिजन टू दिस। अगर फिर हम इसको इसमें पानी भरते हैं और इसमें से एक चम्मच उठाते हैं सॉल्यूशन और इसमें डालते हैं, डालने के बाद फिर इस दोनों में भी तुलना अगर करेंगे तो ये ज्यादा हमें मीठा या नमकीन लगेगा, ये कम लगेगा। एंड सो मतलब कहने का ये मतलब है कि हम ऐसा नहीं है कि ज्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ज्यादा पानी पिलाते जा रहे हैं, चीनी या पान नमक का जो है असर वो खत्म होता जा रहा है, ऐसा नहीं। असर है, उसका इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन कम होता जा रहा है। मीन्स वो कम होता जा रहा है, मीन्स छोटा होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये छोटा छोटा मिलकर के ही क्या बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके ही बड़ा मैटर बना हुआ है। मतलब किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसी तरह हम कलर का भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं कि जब हम एक कलर का पाउच लाते हैं और किसी एक ग्लास पानी में डालते हैं, डालने के बाद जब हम मिलाते हैं तो मिलाने से वो ज़्यादा डार्क रहता है, पहले में डार्क रहेगा और मान लीजिए दूसरे में फिर हम इसमें से एक चम्मच लेकर के दूसरे में डालते हैं तो डालने के बाद इस दोनों में अगर तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क रहेगा और ये थोड़ा कम डार्क रहेगा, थोड़ा फीका पड़ जाएगा कलर। और इसी तरह इसमें भी करेंगे, इससे एक चम्मच लेकर के इसमें डालेंगे तो ये और ज़्यादा कलर मतलब डाउन होता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा और इसी तरह कम होता जाएगा मतलब ख़त्म, इतना जल्दी नहीं होगा। कहने का मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, तो छोटा कलर आगे जा रहा है, मतलब छोटा छोटा मिलकर के ही क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके ही बड़े मैटर बन रहे हैं, बड़े थिंग्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये जो बार ये जो लाइन है इसका ये मतलब हो रहा है कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग
घर में भी करते हो लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं, बस डेली लाइफ के तौर, डेली लाइफ में होता रहता है, आप उसको नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि कभी एक बार जो लैब का एक्सपेरिमेंट है, लैब का जो ये है वो तो अलग है, पहले जो डेली लाइफ में होता है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 100 ml हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं, 100 ml, और मार्क कर लेते हैं, पानी लेने के बाद मार्क कर लिए कि यहाँ पर यहाँ तक पानी है इसमें, और पानी 100 ml जब 100 ml पानी रखने के बाद 10 ग्राम इसमें चीनी डालते हैं, और 10 ग्राम चीनी डालने के बाद किसी ग्लास के रॉड से हम इसको स्टीर आउट करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जब कम्प्लीटली शुगर डिजॉल्व हो जाता है, या हम 10 ग्राम साल्ट लेते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, तो डिजॉल्व हो जाने के बाद हमें जो ये मार्क किया हुआ है पानी का जो लेयर है वो मार्क किया हुआ है, उस लेयर में हमें कोई रेज नहीं दिखाई देगा, मतलब नो रेज हमें पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 100 ml पानी लें और उसमें 200 ग्राम चीनी डाल लें और तब पता करें कि रेज नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं, एक रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम 100 ml पानी में 10 ग्राम अगर शुगर को डिजॉल्व करते हैं, गुलाते हैं, तो उसके जो लेयर है उसका जो जो हम पॉइंट मार्क करेंगे उसमें जो चढ़ाव है, जो ऊपर आने की कोई बात नहीं आती है। कहने का मतलब जो ये पानी के लेयर ऊपर नहीं जा रहा है, पानी ऊपर नहीं उठ रहा है, और 10 ग्राम हम चीनी को घुला दीजिए, तो ये चीनी आखिर कहाँ जा रहा है। तो हमें ये एग्जाम्पल भी यही बात बताता है कि ये चीनी और कहीं नहीं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो गैप है उसी गैप को भरता है, उसी गैप को भरता है, जिसके चलते इसके लेयर में कोई रेस नहीं होता। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर Particles of a matter are constantly moving. Science का वैसे ज्यादातर चीज जो है हमारे daily life से ही जुड़ा हुआ होता है, तो इस चीज को भी हम डेली लाइफ से ही जोड़ करके देखेंगे। मान लीजिए चाहे आसपास कोई पकवान पक रहा हो या जब हम पूजा करते हैं घरों में, तो जो पूजा स्थल होता है वो हमसे थोड़ी दूरी पे होता है, या जो पकवान पक रहा होता है, जो भोजन पक रहा होता है, जो डिशेस बन रहे होते हैं वो भी हमसे दूरी पे होता है, लेकिन जैसे ही इनको बनाना या अगरबत्ती, जैसे जब हम पूजा करते हैं इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को जलाते हैं, तो जलाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका स्मेल हम तक पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब जो उस इंसेंस स्टिक या जो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे एयर में, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके मूवमेंट के चलते, और जो धुआं है जो स्मोक है उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के चलते, दोनों मिल जाते हैं और मिल करके मूव करके मूवमेंट में रहते हैं, जिसके चलते हमारे पास आते हैं और वो उसको हम सूंघते हैं, फील करते हैं। तो इससे भी हमें यही पता चलता है कि जो हमारे सराउंडिंग में जो पार्टिकल हैं या जो किसी मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार मूवमेंट में रहते हैं। अगर लगातार मूवमेंट में नहीं रहते तो जहाँ पर हम सिर्फ इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, उसका स्मेल वहीं तक रह जाता, या जो हम पकवान पकाते हैं उसको भी वहीं तक, उसका भी स्मेल वहीं तक रह जाता। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी मैटर है वो जिन पार्टिकल्स के बने होते हैं
उन पार्टिकल्स के बीच भी एक फोर्स होता है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। मतलब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये मैटर टू मैटर डिफर करता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैटर टू मैटर डिफर करता है। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं चौक, आइस क्यूब, आयरन नेल, तो चौक में भी बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, आइस क्यूब भी टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं और आयरन नेल भी टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। लेकिन अगर हम तीनों पे हैमर करते हैं, तीनों को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो चौक आसानी से टूट जाएगा, आइस क्यूब थोड़ा मोटे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा और आयरन नेल को तोड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा, काफ़ी मतलब परिश्रम करना होगा। कहने का ये मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में है, लेकिन सभी मैटर के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है, जिसके चलते जब जिसका जिसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा मजबूत है और जिसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो पार्टिकल्स भी वो मैटर भी वीक है और वो आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट है रिजिड और फ्लूड। रिजिड एंड रिजिड कहने का मतलब है इनफ्लेक्सिबल अनबेंडिंग, मतलब हम जिसको जो ना तो आसानी से मुड़ सके ना ही आसानी से फ्लो हो सके उसको हम रिजिड बोलते हैं। जैसे सॉलिड, सॉलिड को अगर हम किसी जगह पे रखेंगे और उस पे अगर लाइट फोर्स भी लगाते हैं तो वो जल्दी बेंड नहीं होगा। और फ्लूड हम उसको बोलते हैं, फ्लूड कहने का मतलब जो इजीली फ्लो कर ले, जैसे लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस। अगर हम मान लीजिए लिक्विड को भी अगर किसी जगह पे रखते हैं, एक जगह पे हम रखना चाहें लेकिन वो एक जगह पर रुक करके नहीं आसानी से फ्लो करना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। और गैस को, गैस के साथ भी सेम कंडीशन है, अगर गैस को भी हम किसी एक जगह पर रखना चाहें या फिर मान लीजिए हम जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसका ही नोब ऑन करके छोड़े तो वो एक जगह रुक करके नहीं आसानी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। अगर किसी एक रूम में खोलते हैं तो पूरे रूम में फैल जाएगा, या ओपन स्पेस में खोल रहे हैं तो जहाँ तक वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक बाता वो चला जाएगा। लेकिन सॉलिड के साथ, सॉलिड रिजिड है, सॉलिड को अगर हम एक जगह पर रखते हैं तो अपने ना तो वो अपने आप रूम टेम्परेचर पे बेंड करेगा ना ही मेल्ट करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन फ्लूड के साथ फ्लूड जो है वो आसानी से बहना शुरू कर देगा, एक जगह से दूसरे जगह तक विसरण करना शुरू कर देगा, जिसका एग्जाम्पल लिक्विड और गैस है। और रिजिड सॉलिड, सारे सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आते हैं, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया। पहला था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी जो इस चैप्टर में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड
ओके ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मेटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस जैसे सुगर सैंड आयरन वुड रॉक्स मिनरल्स एंड आइस आर सॉलिड। मैंने जिन जिन चीजों का नाम लिया अभी शुगर हो गया सैंड हो गया आयरन मिल हो गया वुड हो गया रॉक हो गया मिनरल्स हो गया ये सारे सॉलिड्स हैं। वाटर मिल्क आयल पेट्रोल अल्कोहल ये सभी लिक्विड के श्रेणी में आते हैं। एयर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम आर गैसेस ये सभी गैस हैं। एयर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम ये सभी गैस के श्रेणी में आते हैं। अब हम जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड और गैस आज हम फिलहाल सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज हैं इसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड बॉडी। सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का ये मतलब सॉलिड को हम सॉलिड का जो शेप है वो भी फिक्स है और जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। कहने का मतलब कोई सॉलिड है आइस क्यूब है या फिर मान लीजिए शुगर है। अगर हम ऐसा नहीं है कि शुगर को अगर हम ग्लास में रखे हुए हैं तो उसका अलग शेप है, बाउल में रखते हैं अलग हो जाएगा, बकेट में रखते हैं अलग हो जाएगा। नहीं, सॉलिड का जो शुगर का शेप होगा वो हम चाहे बकेट में रखें ग्लास में रखें वो सभी जगह पर एक ही रहेगा। बस ये है कि टेम्परेचर हम चेंज ना। दूसरी बात है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कहने का मतलब है कि सॉलिड्स को हम ज्यादा दबा नहीं सकते, दबा सकते हैं लेकिन बहुत कम। मतलब कुछ है फोर्सेस जिसके चलते थोड़ा बहुत चले जा रहता है सॉलिड के शेप में, मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन हम ज्यादा सोचे तो ज्यादा सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता है, उतना शुरू हो जाएगा। थर्ड है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद है फोर्थ सॉलिड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कंप्लीटली। कहने का ये मतलब है कि अगर हम सॉलिड को किसी बर्तन में मान लो बड़ा सा ये है पॉट है बड़ा सा कंटेनर है और उसमें हम छोटा सा सॉलिड को रखें तो वो सबसे बॉटम में जाकर के अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सबसे नीचे जाकर के अपना जगह लेगा। जैसे कि हम अगर गैस को किसी छोटे से छोटे बर्तन में भी रखेंगे तो वो पूरे के पूरे बर्तन में फैलेगा, लेकिन सॉलिड्स में ये बात नहीं है, सॉलिड सबसे बॉटम में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लास्ट है सॉलिड्स डू नॉट फ्लोट। सॉलिड्स डू नॉट फ्लोट मतलब अगर हम सॉलिड को फ्लो करवाना चाहें तो सॉलिड मतलब फ्लो नहीं कर सकता है, सॉलिड मतलब रिजिड है। सॉलिड को अगर हम जहां पे रखेंगे वहीं पे अपना स्थान लेगा, वहां पर से बहेगा नहीं।
ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आप इस महामारी यानी छुट्टी के दरमियान सेल्फ स्टडी कीजिए और इस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसके माध्यम से स्टडी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज के माध्यम से लिख सकते हैं। थैंक यू।